हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्जिम एक्सपर्ट्स। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, हमारे पास वापस से कुछ टॉपिक्स जो हम लोग बोल सकते हैं, जो मैंने रिसेंटली कवर करा था कि बायर आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ जेन्युइन बायर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बायर जेन्युइन है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ डील कर रहे हैं, या आप मान लीजिए अगर आप कुछ कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, मॉल के अंदर जाते हैं, तो आप खुद वो आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसको ठीक तरह से परखते हैं, उसके बाद ही आप उसका अमाउंट पे करके वो चीज़ खरीदते हैं, राइट। वैसे ही बायर ऑब्जर्व करता है। आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो पहले वाले वीडियो में भी मैंने कवर करा था कि जैसे आपको ट्रस्ट नहीं होता है बायर के ऊपर, वैसे ही बायर को भी आप पे ट्रस्ट नहीं होगा। वो क्यों एडवांस पेमेंट करेगा? आप उसने एडवांस पेमेंट करा और आपने मटेरियल नहीं भेजा तो क्या? वैसे ही हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे मैंने डिस्क्राइब करा था कि फर्स्ट हमें इंडियन एम्बेसी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। उन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं जेन्युइन डेटा बायर का निकालने के लिए, राइट। उसके अलावा भी हमारे पास सोर्सिंग होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि कोई भी एग्जीबिशन हो रहा है या ट्रेड फेयर हो रहा है, वहां पे आप खुद विजिट करिए, जहां पे भी बायर सेलर मीट हो रहा है। अब बायर सेलर मीट में भी जरूरी नहीं है कि बायर जो आया है या जो आउट ऑफ कंट्री से जो आए हैं पर्सन, वो जेन्युइन ही हो। यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द नीड्स जो आपको जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी बायर के साथ आप डील कर रहे हैं, सो आप उसकी वेबसाइट चेक करिए। सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर जाइए, उसको गो थ्रू करिए कि वो कितने साल से डील कर रहे हैं, राइट। उसके बाद उसको डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए वो जो भी कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे दिया है, वो कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे तो मे बी पॉसिबल शायद कोई रिसेप्शन वाला उठाएगा। सो डायरेक्टली अप्रोच कैसे करेंगे आप उसे? तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर करने के लिए बोलना होता है। अब वो परचेज डिपार्टमेंट वाला आपको कुछ ना कुछ बोल के, हाँ वी विल गेट बैक टू यू, ओके सेंड अस द ईमेल, बट स्टिल आपका वहां पे आप सोर्सिंग देखने जाएंगे तो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द बायर इज जेन्युइन और नॉट। स्टिल आप उससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए, या फिर ऑथेंटिकेशन के तौर पर आप पर्टिकुलर जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर उसका एसोसिएशन फाइंड करिए। जो भी आपकी टारगेट कंट्री है उसका एसोसिएशन फाइंड करिए। आप वो एसोसिएशन के अंदर आप उसका जेन्युइन डेटा आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास, हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमारे पास हर एक कंपनी की डिटेल्स वहां पे हम चेक कर सकते हैं, कौन डायरेक्टर है, कब से कंपनी स्टार्ट हुई है, एक्स वाई जेड। वैसे ही वहां वाली जो टारगेट कंट्री है आपकी, उसका आप ऑरिजिनेटिंग डेटा या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन डेटा आइडेंटिफाई करिए। जब भी वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, अब वो बोल रहा है कि 30% में एडवांस दे देता हूं, 70% में एक्स वाई जेड, जो भी आप टर्म डिसाइड करते हैं उसमें, बट स्टिल वो उसने पेमेंट नहीं करा तो। सेकेंड चीज हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रूफिंग, ECGC हम कहते हैं, उससे आप अप्रोच करिए, जो आपका बायर का डेटा ऑटो इंडिकेट करके प्रोवाइड करेंगे। वो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं पेमेंट्स के ऊपर। तो जो भी आप पेमेंट्स के लिए डील कर रहे हैं बायर के साथ, वो आपको इंश्योरेंस कितना प्रोवाइड कर सकते हैं उसका ऑथेंटिकेशन ECGC भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो ये एक तरीके होते हैं जो आपको जेन्युइन बायर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यस, यू हैव टू गो विद द प्रोसेस। आपको पहले प्रोसेस समझना होगा कि उसका प्रोसेस क्या होता है। आपको मार्केट समझना होगा, उसके बाद ही आप जेन्युइन बायर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रॉड बायर्स के भी लिस्ट आएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रॉड बायर आया तो आप उसके साथ जाले जाइए, आप पेमेंट डील कर लीजिए, उधार दे दीजिए। नो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप उसके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन इज मच रिक्वायर्ड।
आप उसका डेटा चेक करिए। प्रोफेशनल्स वेबसाइट्स होती है, प्रोफेशनल्स नेटवर्क होते हैं, जैसे सोशल मीडिया होता है वैसे प्रोफेशनल नेटवर्क्स होते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी कंपनी की डिटेल्स वहां पे चेक करिए आप। तो ये पूरा एक सोर्सिंग होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द बायर इज जेन्युइन और नॉट। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।